नूरपुर की पंचायत भलेटा के गांव बड़बाल में पिछले काफी दिनों से गांव वासियों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। गांव में चार चार दिन लोग बिना पानी के रह रहे हैं। बार बार विभाग से शिकायत करने पर भी अभी तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। इससे गांव के लोगों में सब्र का बांध टूट चुका है। इसी को लेकर गांव की औरतें खाली बर्तन लेकर सड़क पर उतर आई हैं और विभाग के खिलाफ जमकर भड़ास निकाल रही हैं। स्थानीय महिलाओं में इसको लेकर बहुत आक्रोश है। उनकी माने तो कई दिनों से यह समस्या बरकरार है, जिसे लेकर विभाग को कई बार सूचित भी किया जा चुका है। पानी की समस्या है और वो ज्यादा से ज्यादा हो गई है। हमने कई बार बोला, चार चार पाँच पाँच दिन हो जाते हैं हमारे यहाँ पानी नहीं आता है। एमएलए साहब भी यहाँ पर आए, हमने किसी चीज़ की डिमांड नहीं की है। हमने डिमांड की है तो सिर्फ पानी की है। हमारी पानी की बड़ी यहाँ पर किल्लत है। हमारी कोई भी आगे यहाँ पे सुनवाई नहीं करता है। जिसको किसी को बोलते हैं वो सुनता है और भूल जाता है। हमें सिर्फ पानी चाहिए और कुछ मजबूरी समझो ना। असि वोट दिते, असि वोट देने पानी देने दिते असि वोट, पर हां पानी का चाहिए ना। पानी तो हां बड़ा जरूरी है, कहना पानी का चाहिए। पंचायत प्रधान विक्रम पठानिया का कहना है कि विभाग पूरी तरह कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है, जबकि गांववासी पीने के पानी को तरस रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विभाग ने जल्द ही उनकी समस्या का निवारण नहीं किया तो वो गांववासियों के साथ सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। जब आप मुलाजिम बोल रहा है, चार दिन से पंप रेटी है नीचे, तो हम एक्सल के नौकर ना, जेई के नौकर ना, किसी बॉस के हैं बड़े, हमें पानी चाहिए और हमारे साथ ड्रामा बाजने चाहिए। दो साल हो गए हमें, नीचे पानी है नहीं, सप्लाई नहीं। पहले बोलते मोटर जो मर्जी लगाए, चार दिन से मुलाजमी नीचे नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा। मैंने एक्सल से बात करी, शर्मा जी एक्सल से बात करी, मुझे बोलता हूँ उसका नंबर बताओ पंपरेटर का। आई नो, मैं कहूँ नंबर बताऊँ जी साहब से बात करी। ये तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। जी साहब बोलते आज मैं बीमार हूँ, मैं कल आऊँगा। फैनी साहब पिछला तो मैं जहाँ आया था जाके, जी साहब बोलते मैं आऊँगा। एसडीओ साहब से मेरी फ़ोन पे बात नहीं होती है। पर ये तो सर हो है, हमने वोट डालने से सरकार बन जाए तो लोगों को पानी तो मिलना चाहिए। तीसरे दिन मुलाजिम बोलते हैं भाई छुट्टी है, खुद आई पी एच का मुलाजिम बोल रहा है चार दिन से बंदा नहीं है इधर सप्लाई पे। क्या कानून है, क्या सप्लाई है? वही आई पी एच विभाग की माने तो एसडीओ आनंद बलोरिया के अनुसार पिछले तीन चार दिन उस क्षेत्र में बिजली की समस्या रही, जिस वजह से पानी की आपूर्ति बाधित हुई। लेकिन बावजूद इसके फिर भी इस गांव में पानी की समस्या की जांच की जाएगी और अगर कोई पेयजल समस्या है तो उसका हल निकालकर लोगों को इस समस्या से निजात दिलवाई जाएगी। नहीं, वैसे जो आप बता रहे हैं भलेटा पंचायत के बारे में, इस संदर्भ में मेरी बात हुई है मेरे कंसर्न जेई से, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कंप्लेन अभी तक तो है नहीं। हाँ, ये जरूर था कि दो तीन पहले और आज भी वहाँ पे बिजली की समस्या है जिसके कारण पानी पंप नहीं किया गया। लेकिन चलो, अगर ये तीन दिन तो है हमारे नोटिस में, अगर इसके अलावा भी कुछ आता है तो उसको हम जांच मतलब देखते हैं, उसकी जांच की जाएगी और जल्दी से जल्दी उसको पानी को सुचारू रूप से चालू किया जाए। नूरपुर से सचिन की रिपोर्ट।